हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको पेंटिंग का एक नया शेड शेयर करूंगी। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने कुछ कर रखा है और ये फ्लावर करके बताऊंगी और लीव्स है। तो फ्लावर को करने के लिए हमने दो कलर का यूज़ किया है। एक कलर है, देखिए ये पर्पल कलर जो कैमल का है, और एक गोल्डन येलो है, ये भी कैमल का है। इसके लिए मैं ये दो कलर, फ्लावर के शेड के लिए मैं ये दो कलर का यूज़ करूँगी, जिससे बताऊँगी कैसे शेड होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत शेड आते हैं। तो आज इससे मैं करके आपको बताऊँगी। तो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें मैनी मैनी थैंक्स। तो ये जो शेड बताऊँगी मैं, ये बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो आप बस अगर ये शेड सीखना चाहती हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तो आपको आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इसे कैसे करेंगे। इसको करने के लिए देखिए, मैंने ये मोटा ब्रश का यूज़ किया है। जो ये ब्रश है इसका, ये देखिए इस तरह है, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको सबसे पहले हम पूरा ऊपर की साइड में पर्पल कलर करेंगे, देखिए इस तरह। आउटलाइन करके इस तरह करने के बाद जो कलर लगा रहेगा ब्रश में उसे साफ कर लेंगे, फिर नीचे से ये गोल्डन येलो लगाएंगे। देखिए ब्रश को बिल्कुल साफ कर लेंगे, जिससे उसमें पर्पल कलर ना रहे, क्योंकि नीचे येलो ज़्यादा आएगा। तो इसको करने के बाद देखिए इस तरह, हाफ इसे करने के बाद ऊपर से देखिए इस तरह शेड दे देंगे, और अगर ब्रश में येलो आएगा तो उसे साफ करते जाएंगे। थोड़ा सा देखिए ब्रश में पर्पल कलर लगाएंगे और नीचे की तरफ शेड करते हुए आएंगे। इस तरह देखिए, देखिए इस तरह ये शेड आएगा, कहीं येलो कहीं पर्पल। अब दूसरी पिटल से करके आपको बताते हैं। देखिए आप इसके लिए फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जिससे आपको इजी लगे आप उसे करिए। अब देखिए नीचे लगाएंगे येलो कलर, येलो को कपड़े में साफ करके थोड़ा सा पर्पल कलर ऊपर से लेते हुए देखिए नीचे की तरफ आएंगे, जिससे शेड क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। ऐसा शेड दीजिए जो ये लाइनिंग है पता ना चले, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जो मेरा कपड़ा है ये पिंक कलर है, तो इस पर यह शेड ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने और येलो का शेड दिया है, क्योंकि इस पर यह कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लाइट कलर था, तो इस पर मैंने डार्क इस्तेमाल किया शेड के लिए। देखिए दूसरी पिटल्स भी हो गई।
देखिए फ्लावर कंप्लीट हो चुका है, इसका शेड मैंने पर्पल और गोल्डन येलो से दिया है। अब ये मिडिल वाला पोर्शन करेंगे, तो मिडिल वाला पोर्शन हम पहले पूरा पर्पल से कर लेते हैं। देखिए देखिए इस तरह पर्पल से करेंगे, तो उसके बाद जो ये मिडिल में है इसे हम येलो कलर से करेंगे। ये गोल्डन येलो जो है थोड़ा सा ये सूख जाए तब इसे और सही करते हैं। जब तक सूख रहा फिर हम कली कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो कली है तो इसको करते हैं, इसीलिए देखिए इस तरह। फ्लावर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लेप करना बताएंगे। लेप्स जो है मैं देखिए डीप ग्रीन और वाइट कलर से शेड करेंगे। इस दो कलर से हम इसको शेड करेंगे, और इसके लिए मैं 1 नंबर फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करूँगी। इस तरह पहले ग्रीन से कर लेंगे कुछ पोर्शन। और इसको कपड़े में साफ कर लेंगे, ब्रश को ग्रीन करने के बाद ब्रश को एकदम साफ कर लेंगे जिससे उसमें ग्रीन ना लगा हो। फिर ये आउटलाइन करेंगे इस तरह वाइट कलर से। देखिए दोनों तरफ, देखिए दोनों साइड इस तरह वाइट करेंगे। वाइट करने के बाद देखिए इस तरह शेड देंगे, कहीं पे ग्रीन आए कहीं वाइट आए। थोड़ा सा ब्रश को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे, देखिए इस तरह। मिडिल से जैसे शेड मिक्स आए ऐसा करेंगे। देखिए इस तरह कहीं डार्क ग्रीन आएगा कहीं लाइट आएगा। देखिए यहाँ कलर सूख गया है तो थोड़ा सा ग्रीन और हम लगाएंगे जिससे शेड करने में आसानी रहे। तो हल्का सा वाइट भी यहाँ लगाएंगे क्योंकि यहाँ सूख चुका कलर। ये फ्लावर और लीव्स सारे शेड कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये शेड कैसा लग रहा है? तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे।